ने 2018 LS500H भारत में 1.77 करोड़ रुपए में लॉन्च की है। ये कार अब मर्सिडीज S500 जैसी कार्स के साथ भारत में प्रतिस्पर्धा करेगी। कार को 3 अलग अलग प्रकारों में लॉन्च किया गया है, लग्जरी 1.77 करोड़ रुपए, अल्ट्रा लग्जरी 1.82 करोड़ रुपए और डिस्टिंक्ट 1.93 करोड़ रुपए। LS500H स्टाइलिश डिजाइन, सिग्नेचर लेक्सस ग्रिल, LED हेडलाइट्स, शार्प बॉडी लाइन और 20 इंच के मिश्र धातु के पहियों के साथ आती है। ये कार 3.5 लीटर पेट्रोल इंजन का उपयोग करती है, जो 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा उसे शक्ति देता है। इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर 354 HP अधिकतम पीक उत्पादित करता है, जिसे 10 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाता है। इन सभी शक्तियों के साथ लेक्सस LS500H 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5.4 सेकंड में पहुंच सकती है। अब कार की बुकिंग शुरू हो गई है और इसकी डिलीवरी इस वर्ष के अप्रैल से होगी। मैक्लारेन 570S और मैक्लारेन 570GT बेहद सफल रहे और हो सकता है कि इसी वजह से कंपनी ने दोनों को मिलाकर 570GT स्पोर्ट्स पैक को बनाने का फैसला किया है। स्पोर्ट्स पैक में स्टीफर स्प्रिंग्स, फास्ट स्टीयरिंग और नए एक्चुएटर्स मिलते हैं। ये कदम उस धारणा के जवाब में है कि 570GT सिर्फ उसकी आरामदायक सवारी पर अधिक केंद्रित थी और इसके बॉडी नियंत्रण पर समझौता किया गया था। फ्रंट में 15% स्टीफर स्प्रिंग्स, पीछे 10% स्टीफर स्प्रिंग्स और 2% क्विकर स्टीयरिंग है। मैक्लारेन इस मुद्दे को हल करने का प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर उम्मीद ये है कि कार उस गतिशील प्रतिक्रिया के साथ मिलकर 570GT की अपील के मुख्य रूप को दिखाती है और व्यवहारिकता प्रदान करती है, जिसने 570S के पास सार्वभौमिक प्रशंसा अर्जित की है। बेंटली ने अपनी बेंटेगा V8 पेट्रोल मॉडल का अनावरण किया है। ये कार W12 इंजन मॉडल के एक स्थान नीचे है। नए V8 इंजन में 4.0 लीटर की क्षमता है और ये 550 HP पीक पावर और 770 Nm टोक उत्पादित करने में सक्षम है। ये कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 4.5 सेकंड में पहुंच सकती है। कार की टॉप स्पीड 289.6 किलोमीटर प्रति घंटे की है। V8 इंजन पोर्शे पैनामेरा को भी पावर करती है। बाह्य रूप से ये नया मॉडल W12 बेंटेगा से बड़े पैमाने पर अपरिवर्तित है। हालांकि लाल पेंट फ्रंट ब्रेक कैलिपर्स कार के नए इंजन का सूक्ष्म संकेत है। इसमें 22 इंच के मिश्र धातु पहिए भी है और V8 में बदली हुई फ्रंट ग्रिल और टेल पाइप डिजाइन है। बजाज एवेंजर 220 की कीमत 93,466 रुपए है। इस साल के लिए बजाज ने केवल एवेंजर 220 को अपडेट किया है, क्योंकि ये बाइक की बिक्री बेहतर होती है। अपडेटेड 220 में कई सारे एडिशन हुए हैं। बजाज ने अपनी स्ट्रीट और क्रूजर दोनों वेरिएंट जारी रखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हेडलाइट LED डे टाइम रनिंग लाइट्स और डिजिटल बैकलिट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। स्ट्रीट वेरिएंट में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर नारंगी लाइट्स और क्रूजर वेरिएंट में नीली लाइट्स दिखाई देती है। नई एवेंजर मून वाइट पेंट में उपलब्ध है। मैकेनिक रूप से नई 2018 एवेंजर 220 अपरिवर्तित है। बाइक अभी भी 220cc पर चलती है। इसमें सिंगल सिलेंडर इंजन है, जो 18.8 हॉर्स पावर और 17.5 Nm टोक उत्पादित करने में सक्षम है और ये 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है। हालांकि हम इसकी अपडेट में ABS की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वह उपलब्ध नहीं है। यामाहा इंडिया ने 2018 यामाहा FZS Fi
86,042 रुपए में लॉन्च की है। बाइक एक रियर डिस्क के साथ फिट है। बाइक में नए डिजाइन के मिश्र धातु पहिए और नए रियर व्यू मिरर भी मिलते हैं। 2018 यामाहा FZS-FI के फ्यूल टैंक पर FZ शील्ड लोगो और टैंक एक्सटेंशन पर ट्यूनिक फोर्क लोगो आता है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, पीछे ड्रम ब्रेक के बजाय 2018 यामाहा FZS-FI में 220 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक आता है। जहां तक इंजन की बात है, 2018 यामाहा FZS-FI 149 cc सिंगल सिलेंडर मील और फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है। इंजन 13.2 PS का अधिकतम आउटपुट और 12.8 अधिकतम टोक उत्पादित करने में सक्षम है। दूसरी पीढ़ी की Q5 लॉन्च हो चुकी है। भारत में ऑडी ने इसकी शुरुआत कीमत 53.25 लाख रुपए रखी है और टॉप मोस्ट टीम के लिए इसकी कीमत 57.6 लाख रुपए तक होगी। नई Q5 में 2.0 लीटर डीजल इंजन फिट किया गया है जो 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। इंजन 190 HP पीक पावर और 400 Nm टोक उत्पादित करने में सक्षम है। इंजन से निकली पावर को क्वाड्रो प्रणाली के माध्यम से कार के सभी 4 पहियों में भेजा जाता है। इस कार की ARAI प्रमाणित एफिशिएंसी DI 35 बैच है और ये 17.01 किलोमीटर प्रति लीटर एवरेज देती है। नई Q5 को Volkswagen MLB EVO प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जो इसे अपने पूर्ववर्ती की तुलना में लगभग 90 किलो हल्का बनाती है। अंदर की तरफ कार में वर्चुअल कॉकपिट, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 8.3 इंच फ्री स्टैंडिंग स्क्रीन के लिए MMI सिस्टम नेविगेशन के साथ दिया है जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के लिए उपयुक्त है। मारुति सुजुकी ने इंडिया में स्पेसिफिक स्विफ्ट का खुलासा किया है। कार 12 विभिन्न प्रकारों में पेश की जाएगी और इसे 1.2 लीटर K12 पेट्रोल और 1.3 लीटर DDIS डीजल इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा। हर इंजन के विकल्प में 6 वेरिएंट होंगे और केवल हायर एंड वेरिएंट ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये पेश की जाएगी। नई स्विफ्ट हार्ड टेक प्लेटफॉर्म पर आधारित है और मौजूदा स्विफ्ट से ये 40 मिलीमीटर चौड़ी और 20 मिलीमीटर लंबी है। अंदर की तरफ कार में एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कंपैटिबिलिटी, वॉइस रिकॉग्निशन, ब्लूटूथ ऑडियो स्ट्रीमिंग, इनबिल्ट नेविगेशन और रिवर्स कैमरा के साथ स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी विशेषताएं भी हैं। कार अब बुकिंग के लिए उपलब्ध है और इसे 11,000 रुपए की जमा राशि के साथ बुक किया जा सकता है। नीचे दिए गए अनुभाग में टिप्पणी लिख के हमें बताएं।